आज हम लोग आए हैं तो गाइस आज संडे है और संडे बच्चों का फन डे होता है, स्कूल भी आज ऑफ है और मैं ड्यूटी से आ भी गया हूँ, तो आज शाम का टाइम फ्री था, तो यहाँ पे बगल में ही स्मार्ट पार्क है, तो यहाँ पे आए हैं और बच्चों को थोड़ा घुमा देता हूँ, मस्ती कराता हूँ। तो आए हैं स्मार्ट पार्क और यहाँ आपको 10 रुपये का टिकट आपको लेना पड़ेगा और 10 रुपये का टिकट मैंने लिया हूँ। उसके बाद आते हैं, एंट्री करता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ अंदर का नज़ारा कैसा है ये पार्क। तो चलिए चलते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया हूँ कि मैं अभी आया हुआ हूँ स्मार्ट पार्क झारसुगुड़ा, और ये जो झारसुगुड़ा का जो बॉम्बे चौक है वहीं की आसपास में है, और बॉम्बे चौक से जो सीधा जो राउरकेला हाईवे को जो कनेक्ट करती है उसी रोड में है, शीतल कॉलोनी वाले इलाके में ये है। और यहाँ पे जैसे ही आप एंटर होते हैं आपको एंट्री फ़ी आपको 10 रुपीज़ आपको देना पड़ता है, और अंदर आते हैं तो इसके पहले मैं झारसुगुड़ा का जो इको पार्क है वहाँ भी गया हूँ। तो इको पार्क तो बस आपको मान के चलिए वो बस नाम का है, उसका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है लेकिन उस हिसाब से मेंटेनेंस वहाँ नहीं है, और वहाँ पे बच्चों के लिए जो झूला है उसका मेंटेनेंस नहीं है और बहुत कम प्रकार के झूले आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे बहुत प्रकार के आपको झूले आपको देखने को मिलेंगे और बच्चे काफ़ी यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। शाम के टाइम में और सुबह के टाइम में आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे मेरी गो राउंड है और फिर सी सॉ है और भी बहुत प्रकार के झूले हैं, फिर जंपिंग जो नेट होता है वो भी है जहाँ पे बच्चे आपको जंप कर सकते हैं, कूद सकते हैं, और भी बहुत प्रकार के झूले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप अगर शाम को और सुबह यहाँ पे आते हैं तो आपका बिल्कुल मॉर्निंग वाली और इवनिंग वाली जो वाइब होती है वो बिल्कुल अच्छी आपको देखने को मिलेगी। तो बाकी आपको हम चलिए इसका जो ओवरव्यू है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बहुत बढ़िया लगा यहाँ पे आकर के, और यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, और ये जो पार्क है स्मार्ट पार्क ये ओपन हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लगभग 2 से 3 महीना ही हुआ है, लेकिन काफ़ी हमको अच्छा लगा, मेंटेन है और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे और बहुत सारा भीड़ भी है। तो चलिए इसका जो ओवर व्यू है वो मैं आपको दिखाता हूँ और ये कैसा है, तो चलिए चलते हैं। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्मार्ट पार्क में हमारे साथ कुछ यंगस्टर्स हैं, और ये अभी यहाँ पे टिकटॉक, मतलब यंगस्टर्स कहने का मतलब है कि ये टिकटॉक स्टार्स हैं, अभी डांस कर रहे थे और रील्स बना रहे थे। तो इनसे हम जानना चाहते हैं कि ये जो स्मार्ट पार्क है ये मतलब आपको यहाँ पे आने के बाद कैसा लगा? अच्छा लगा यहाँ का सब कुछ, बैकग्राउंड सब कुछ बहुत अच्छा ही है, और यहाँ का हम लोग
देखे कि सब कुछ अच्छा ही है तो यहाँ पर एक शूट बनता है क्योंकि बहुत जगह पे हम लोग शूट कर चुके हैं। हाँ। तो ये मतलब हम लोग का फर्स्ट टाइम है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग का बाकी जितना भी जगह हम लोग किए हैं ना तो बाकी से बेटर लगा हम लोग को ये जगह। बेटर लगा। हाँ, क्योंकि यहाँ का हर कुछ जो है सही, मतलब परफेक्ट, जैसा कि हम लोग को बैकग्राउंड में देखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे इस हिसाब में बहुत अच्छा है। मतलब खास करके अगर आप टिकटॉकर हैं या फिर यूट्यूबर हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, तब आप यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नज़ारा जो है ब्यूटीफुल, आपको सीनरी आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसा कि हमारे भाई ने बताया, आपका नाम क्या है? छोटू। छोटू। और आप? शिवा। शिवा। और आप? समीर। 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 तो इससे पहले मैं इको पार्क भी गया हूँ, लेकिन उसका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन उस हिसाब से मेंटेनेंस नहीं है। तो वहाँ का बैकग्राउंड जो है काफ़ी, मतलब थोड़ा पुअर है इसके कंपैरेटिवली। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये काफ़ी अच्छा है, और 10 रुपये में आपको बहुत अच्छा फील यहाँ पे आपको मिलेगा। बच्चों के साथ आ सकते हैं, और अगर आप वीडियो शूट करना चाहते हैं तो उसके पर्पज़ से भी आ सकते हैं। शाम का टाइम है, थोड़ा जॉगिंग करना है, उसके लिए भी आ सकते हैं। तो फिर और भी इसका व्यूज़ आपको दिखाता हूँ, ठीक है भाई? चलो चलो यार, इस पार्क में मैं एज अ पेरेंट्स आया हूं, तो हमारे ही जैसे एक और पेरेंट्स हमारे यहां पे आए हुए हैं, और ये भी अपने बच्चों के साथ आए हैं। तो थोड़ा इस पार्क के बारे में थोड़ा बताइए, ये जो स्मार्ट पार्क है झारसुगुड़ा का, और इसकी तुलना अगर हम काली मंदिर वाला जो पार्क है, ये क्या बोलते हैं उसको, पहाड़ी मंदिर वाली जो पार्क है उससे अगर तुलना करें, या फिर जो इको पार्क है झारसुगुड़ा, तो उससे अगर तुलना करें तो ये पार्क का मतलब कैसा है? देखिए, ये पार्क तो मैं आज पहली बार आया हूँ, लेकिन जो लग रहा है मेरे को, ये पार्क झारसुगुड़ा में ये अच्छा है, नया है इसलिए अच्छा है, सब इक्विपमेंट भी अच्छा दिख रहा है। और जो पहाड़ी मंदिर में अभी नया डेवलप किया है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट में, उसी हिसाब से वो एरिया के हिसाब से सही है, वो भी अच्छा है। लेकिन ये जो है वो नया है, भले लगता है कुछ कॉस्ट लगता है, लेकिन बच्चे के लिए ठीक, एंटरटेनमेंट बहुत सारे इक्विपमेंट रखा है, और बच्चे को मजा आ जाता है, उसके साथ फैमिली भी खुश है, बड़ा बच्चा खुश है, हम लोग भी खुश हैं, हम लोग भी खुश हैं। चलो डर क्यों लाए, नहीं टूटा, चलो खराब आ जा, बैलेंस बना, चलो आ जाओ।
तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि ये जो पार्क है 10 रुपए में फुल पैसा वसूल है। आप 10 रुपया लगाइए और यहाँ पे बहुत सारे झूले आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे जिमनेजियम के आपको इक्विपमेंट मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारे एक्सरसाइज के इक्विपमेंट भी है जहाँ पे आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और बच्चों के साथ यहाँ पे झूले का लुत्फ भी उठा सकते हैं। तो अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।